Ajit sir, please. Thank you very much. Yes, मेरी एज अगले 15 सितंबर को यानी कि अभी से 15-20 दिन बाद 72 हो जाएगी और इस कंगन वाटर को लगभग 1.5 वर्षों से यूज कर रहे हैं। अब इस 1.5 वर्षों में हमको क्या फर्क पड़ा ये आपसे शेयर कर रहे हैं। एक तो 1980 से जबकि मेरी उस समय उम्र थी 30 साल 1980 से आज समझिए कि लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गया डायबिटिक थे हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं तो तीनों भाई बहन चूँकि मदर डायबिटिक थी और काफ़ी इंसुलिन लेते थे सुबह और शाम मिला के 35 यूनिट लेते थे और फर्स्ट टाइम जब हम ले रहे थे इस मशीन को तो हमको विश्वास नहीं था कि इंसुलिन भी कम हो सकता है। 1 महीने के अंदर मैं देखे इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऐसा भी हो सकता है क्या पैंक्रियास का बीटा सेल भी फिर से नया रिप्रोड्यूस हो सकता है क्या जो डेड हो गया है देखिए 10 यूनिट घट गया और ग्रेजुअली धीरे धीरे देख रहे हैं अब 1.5 साल हो गया कई यूनिट्स इंसुलिन घट गए। अब हमको विश्वास हो चला कि लगता है कि एक समय आएगा बहुत जल्दी कुछ महीने में कि शायद इंसुलिन हमारे शरीर में हमारा पैंक्रियाज इतना प्रोड्यूस करने लगे जैसा 30 के उम्र में थे। तो पहला चीज़ तो ये दूसरा जो लोग 60 से ऊपर होंगे उनके लिए हम कह रहे हैं कि हर घर में जिनके घर में मेंबर 60 प्लस एज के हैं उनके यहाँ 2 चीज़ कॉमन मिलता है। एक पेट में प्रॉब्लम कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम गैस्ट्रिक हो कॉन्स्टिपेशन हो अनपच हो जो हो और दूसरा ठेहुने का प्रॉब्लम नी प्रॉब्लम नी में पेन। ऐसा है कि हम गलत बोल रहे हैं मेरा एक्सपीरियंस सही है ना हर घर में मिलेगा और हमको भी था कई वर्षों से था उसके लिए कुछ करते भी थे हम कुछ मित्रों को देखे हैं कि मेरे साथ जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्होंने पेन के चलते नी ज्वाइंट रिप्लेस कराया कई लाख रुपए उनका लगा लेकिन आज भी वो ठीक से नहीं चल पाते हैं। और इस पानी से 1 महीना के अंदर विद इन 30 डेज पूरा कंप्लीट ठेहुने का दर्द मेरा आज के दिन 0 है 0। तीसरा चीज जो लोग डायबिटिक होंगे वो लोग जानते होंगे कि डायबिटीज अपने आप में एक ऐसा कंडीशन है कि बहुत सारी बीमारियों को वो इनवाइट करता है। हमारे साथ भी था पेट का प्रॉब्लम रहता था और कोई आज से नहीं पता नहीं 15 साल 17 साल 20 साल से था। नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हो पाते थे तो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर उनकी सलाह पर एक लेक्सेटिव लेते थे और कई वर्षों से लेते थे क्रीमालेक्स हो सकता है आप लोग भी नाम जानते हो और तब नेक्स्ट डे हम फ्रेश हो पाते थे लेकिन इस पानी ने हिम्मत करके 15 दिन के बाद क्रीमालेक्स जो छोड़े हैं आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और फाइनली इतना ही प्रॉब्लम था एक प्रॉब्लम अब और डेवलप हो रहा था वो एज के अनुसार डेवलप होता है कि
प्रोस्टेट बढ़ने लगा था, इसको भी इसने कंट्रोल कर लिया। आज मेरा प्रोस्टेट आई फील कि ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो गया, जो वॉशरूम आने जाने का जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जो लोग को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बढ़ रहा होगा, 60, 65, 70, 75 के होंगे, वो लोग जानते होंगे। तो पहला चीज तो कि हम आज बिल्कुल किसी तरह की समस्या से, स्वास्थ्य की समस्या से मुक्त हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि जो एक 72 प्लस होने होंगे कुछ 10-12 दिन में, और वो आदमी रोग मुक्त हो, कैसा फील होगा। अब आ जाइए दूसरी बात पर, जो आपके कोऑर्डिनेटर रंजीत जी जो पूछ रहे थे कि व्हाई आई एम डूइंग, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, उसका कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि ह्यूमन बीइंग की एक वीकनेस होती है कि जो चीज़ उसको फायदा करता है, अच्छा लगता है, तो वो बोलेगा, चुप नहीं रहेगा। और हम चुप रहने वाले कभी नहीं थे। ऐसे अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत कठिन है, मानते हैं ना आप लोग भी, जागरूक करना। तो आज हम महसूस करते हैं कि बताने में हम बहुत एंजॉय करते हैं, लोगों से जब अपनी बातें हम शेयर करते हैं और इसके बारे में बताते हैं, एनर्जी कंगन वाटर के बारे में, तो सबसे ज़्यादा फायदा हमको होता है। इसीलिए हम लोगों को बताना नहीं छोड़ते हैं। और हम जान रहे हैं कि एक कठिन काम पर हम वर्क कर रहे हैं, तो 5 लोगों को बताते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है। एक आदमी कहते हैं कि हम भी यूज़ करेंगे, यही काफ़ी है। आने वाले 10-15-20 सालों में आप देखेंगे कि पटना में आज 4,000 घरों में है, तो आने वाले 10 साल में कई लाख घरों में होगा, तो यही बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात है कि जब आज के दिन हमारी इंडियन सोसाइटी में लगभग एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे बेंगलोर में, पुणे में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लगभग ऑलमोस्ट सभी फैमिलीज का यही हाल है। जो हम तो कहते हैं वो लोग फॉर्चुनेट है जिनके साथ में बच्चे रह रहे हैं, हम लोग तो अपने फादर के साथ रहते थे, माँ बाप पिताजी के साथ रहते थे, लेकिन आज के दिन तो ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि मेरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया आज से 2-2.5 साल पहले, और उनको लीवर कैंसर था, लीवर ट्रांसप्लांट भी हुआ, और उसी दरमियान जब उनका इलाज चल रहा था, हमारे 3 में से 2 बच्चे IITian हैं, और एक बेटी जो थी वो गुड़गांव पोस्टेड थी, दिल्ली में मिसेज का इलाज चल रहा था, तो किसी ने बताया उनको इस कंगन वाटर के बारे में, हमारी बेटी को, लेकिन वो ओवरलुक कर गई। हो सकता है आज वो कंगन वाटर लगा ली होती या हमको बताती होती, तो शायद उसकी मम्मी सर्वाइव कर गई होती, क्योंकि कैंसर कैन नॉट डेवलप इन अल्कलाइन वाटर। ऐसा हजारों उदाहरण है, YouTube पर जाइए देखिए, हजारों उदाहरण है। तो आज मेरी बेटी अफसोस करती है, क्योंकि जब हम मशीन लगाए तो दूसरा एक मशीन जब हमको फ़ायदा किया तो हम अपने रेजिडेंशियल होटल है मेरा बोरिंग कैनाल रोड में, वहाँ भी लगवा दिए, फिर बच्चों के यहाँ भी भेजे, तो वो आज रिग्रेट करती है कि काश उस समय उस व्यक्ति का बात सुन लिए होते और घर में एनर्जी कंगन वाटर मशीन डिवाइस जो है लगा दिए होते। हो सकता है मम्मी हमारे साथ होती, तो ये काश जो है, ये रिग्रेट जो है बहुत खलता है, हमको तो खल रहा है। आप लोग भी सोचिए
कि आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, क्या स्थिति है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हम महसूस करते हैं, मैक्सिमम ओल्ड लोगों को, रिटायर्ड लोगों को हम फील करते हैं कि वो समझते हैं कि अब हम किसी काम के नहीं हैं, हमारा बच्चा से मेरा कुछ भी होगा तो वो पूरा करेगा। और उनको दूसरा प्रॉब्लम भी आता है कि उनको लोग एक घर के कोने में रहने देता है, देखिएगा 65-70 वाले को, और वो लोनली फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस पर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। मेरे साथ आज पटना के बाहर भी कई लोग मिलके हम लोग वर्क कर रहे हैं एक टीम की तरह, इतना एनर्जेटिक फील करते हैं। कहा जाता है कि जब जीवन में दो चीज हो, आशा, तो जीवन में उत्साह भी हो जाता है। और आशा और उत्साह जिस व्यक्ति के पास है, कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए वो काम कर रहा है, तो जानते हैं उसकी शरीर के मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाती है, वो एनर्जेटिक दिखने भी लगता है और इंटरनली भी रहता है। और सबसे लास्ट चीज बता दें आपको कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट पैसा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। पैसे से बहुत कुछ होता है, और जितना हम चार मशीन लगाए हैं, लगभग हमको 10 लाख रुपया लगा होगा, वो 10 लाख तो मेरा निकल ही चुका है। वर्क कितने दिन से कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कितने दिन से, सिर्फ 6 महीने से। तो ये दो बातें हुई, हमको क्या फायदा किया, हम क्यों कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमने ऑब्जर्व किया 1.5 साल में, कि दिस एनर्जी कंगन वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया की ये बेस्ट क्यों है, उस पर थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आपसे हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहला, किसी से इस आइडिया को शेयर करने में मजा आता है जो कहीं नहीं आता है। दूसरा, दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने टीम के लोगों का बार बार उनके पीछे घूमते रहते हैं, हर महीना में प्रोडक्ट परचेज करें, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, जीवन में एक ही बार, हम कहे थे कि एक ही बार इस प्रोडक्ट को लेना है, और प्रोडक्ट अपने आप में हीरो है। कहा जाता है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है कि इस एनर्जी कंगन वाटर को दुनिया का सब लोग लाइक करता है। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के बारे में भी हम कंपेयर करके देखते हैं, तो हर, देखिएगा कि लोगों की टीम हो जाएगी कई हजार लोगों का, लेकिन ऊपर से सिर्फ 2-4-5% को पैसा आता है, वो भी एक छोटा अमाउंट आता है। और यहाँ हर व्यक्ति जो मशीन लेके यूज करके फायदा लोगों से शेयर करता है, तो उसका पैसा अवश्य आता है, ये भी गारंटेड है। यानी कि हर व्यक्ति को पैसा आता है। और ऐसे और भी बहुत सारा डिफरेंस है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।